सो हाय गाइस, आप लोगों ने सुन लिया हो कि 19 तारीख के दिन फ्री फायर इंडिया वर्जन को अपने प्ले स्टोर के अंदर लाया जाएगा, यानी कि आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो एंड गेम प्ले कर सकते हो, और जिसके बदले आप लोग को फ्री का रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। जिसलिए हम ये कह सकते हैं 19 तारीख का जो दिन है वो एक सेलिब्रेशन का रहेगा, क्योंकि फ्री फायर इंडिया वर्जन उस दिन हमको देखने को मिलेंगे। अभी मजा आएगा ना वीडियो। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं इस दो टॉपिक के ऊपर खास करके बात करने वाला हूं। पहली बात, क्या सच में 19 तारीख को फ्री फायर इंडिया वर्जन आएगा, और अगर आएगा इसका प्रूफ क्या है, एंड दूसरी बात, अगर आएगा तो हमको फ्री का रिवॉर्ड्स कौन कौन से मिलने वाले हैं। और इसके साथ में गाइस, आज ये भी बात करने वाले हैं जो हॉल ऑफ इनक्यूबेटर अपने गेम के अंदर आने वाले हैं दिवाली स्पेशल कुछ टाइम बाद। वो हॉल ऑफ इनक्यूबेटर के अंदर कुल मिलाकर आपको 10 इनक्यूबेटर के बंडल मिलेंगे, जो कि बैक आएगा। एक दो नहीं बल्कि 10 इनक्यूबेटर के बंडल एक साथ में बैक आएंगे। अब वो बंडल कौन कौन से है, आज आपको मैं सारे बंडल का रिव्यू करने वाला हूं, जितने भी बंडल्स को बैक दिए जाएंगे, एंड कब तक आएगा आज वो भी बताऊंगा। वैसे सिर्फ इतना नहीं है, आप लोग को अपडेट मिला था कुछ टाइम पहले कि इवोल्यूशन वुड पिकर अपने गेम के अंदर आएंगे, जिसका किलिंग नोटिफिकेशन, उसका इवो टोकन सब कुछ तैयार कर दिया गया था। लेकिन अभी इवोल्यूशन वुड पिकर के ऊपर लीक्स क्यों नहीं मिला है, मतलब इवोल्यूशन वुड पिकर के ऊपर अगर लीक्स मिला भी है तो वो कब तक आने वाले है। बाकी साथ में गाइस, आप लोग को हर दिन की तरह कुछ और भी कमाल के अपडेट्स आज के इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा, जैसे कि भाई जो गेम का डाउनलोड फेल्ड वाला प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल चुका है, कुछ और भी अपडेट इस तरीके से आपको मैं वीडियो के अंदर आगे बता दूंगा। तो आप लोग बस वीडियो को देखते रहो। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हॉल ऑफ इनक्यूबेटर के बारे में, कौन कौन से बंडल को अपने हॉल ऑफ इनक्यूबेटर के रूप में गेम के अंदर दिया जाएगा, यानी कि बैक कराया जाएगा, एंड उसका इवेंट कौन से होंगे, मतलब किस इवेंट के अंदर उसको दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बंडल का नेम देख लेते हैं। पहला है अपना नेदरलैंड्स इनक्यूबेटर, दूसरा है समुराई इनक्यूबेटर, तीसरा है बनिका इनक्यूबेटर, चौथा है पेपर कट, एंड पांच नंबर पे है ब्लेड्स का इनक्यूबेटर, और छह नंबर पे है क्लाउन यानी कि जो जोकर बंडल है, और गाइस 7 पे है अपना ओवरस्पायरेटेड, एंड भाई 8 पे है अपना हॉलो फेस, और गाइस 9 नंबर पे है अपना रेबेल एकेडमी, एंड भाई 10 नंबर पे है जियोमेट्रिक शॉक इनक्यूबेटर, जिसका बैनर गाइस आप लोग यहां पर देख पा रहे हो। तो भाई कुल मिलाकर ये 10 इनक्यूबेटर के बंडल्स ऐसा है जो कि अपकमिंग टाइम पे आप लोग को अपने गेम के अंदर बैक मिलने वाले। कब आएगा, दिवाली स्पेशल, जब अपने गेम के अंदर दिवाली इवेंट आएगा तो भाई दिवाली स्पेशल इन सारे इनक्यूबेटर बंडल्स को गेम के अंदर बैक दिए जाएंगे। वैसे मैं जानता हूं कि गाइस को नेम सुनकर आप लोग को बंडल के बारे में तो आइडिया आ नहीं रहा है। अब आपको मैं बंडल का रिव्यू करा देता हूं ताकि आप लोगों को सारे बंडल दिख जाए असल में कौन कौन से बंडल आ रहा है, फिर उसको देखकर आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि आप लोग कौन से बंडल के लिए वेट कर रहे थे और वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गाइस जैसे कि आप लोग रिव्यू यहां पर देख पा रहे हो, भाई देखो यहां पर बहुत सारे बंडल को दिया गया है, आपको मैं सारे बंडल का एक एक करके रिव्यू करा दूंगा। दैट्स व्हाई आप लोग को मतलब बंडल के बारे में पूरा जानकारी मिल जाए एक्चुअल में कौन कौन से बंडल को बैक कराया जाएंगे। आप लोग गाइस यहां पर रिव्यू देख पा रहे हो, यहां पर आपको मैं पहले हॉल ऑफ एस का दिखाया, उसके पहले भी एक इनक्यूबेटर का दिखाऊं जो कि शायद रेबेल एकेडमी की था, एंड उसके बाद गाइस आप लोग यहां पर बनी बंडल देख पा रहे हो, ये भी बैक आ जाएंगे। बाकी यहां गाइस को आप लोग को जो इनक्यूबेटर के बंडल बैक मिलने वाले वो 4 बंडल मिलेंगे, 6 बंडल नहीं मिलने वाले। एंड आप लोग यहां पर गाइस समुराई बंडल का जो इनक्यूबेटर है वो भी देख पा रहे हो, इसका भी यहां पर 4 बंडल अवेलेबल कराया गया है, 2 मेल बंडल 2 फीमेल बंडल। एंड उसके बाद गाइस आपको जोकर बंडल बैक मिल जाते हैं, देन भाई यहां पर और एक जो अपना ब्लड मून समुराई था उसको भी यहां पर बैक कराया गया है। साथ में गाइस यहां पर कुछ और भी बंडल आप लोग को यहां पर जो है बैक मिलने वाले, जो कि अपने इनक्यूबेटर के अंदर आज से बहुत टाइम पहले आप लोग को देखने को मिला था। इसको कुल मिलाकर ये सारे बंडल है जो कि आप लोग को हॉल ऑफ इनक्यूबेटर स्पेशल आप सबको अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। रही बात इवेंट की, भाई कौन से इवेंट के अंदर सबको दिया जाएगा, तो भाई आप लोग को मिलने वाले स्पेशल लक रॉयल के अंदर। शायद ये सवाल आपके तरफ से आ सकता है कि अभी तो अपने गेम के अंदर स्पेशल लक रॉयल नहीं आता है, फिर भाई हम लोग को स्पेशल लक रॉयल देखने को कैसे मिलता है। तो भाई देखो यार, स्पेशल लक रॉयल आता नहीं है, बट वो आके रह गया है गेम के अंदर। जो आप लोग को वेपन रॉयल देखने को मिला है वो भी अपने आप में स्पेशल लक रॉयल है, जो गोल्ड रॉयल देखने को मिला है वो भी स्पेशल लक रॉयल है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आपको प्रूफ देता हूँ। देखो स्पेशल गोल्ड रॉयल हम या फिर उसी को कहते हैं जिसके अंदर हमको गोल्ड से खर्च करना पड़ता है और गोल्ड से हमको एक नहीं बल्कि 2-3 रिवॉर्ड्स मिले, और ठीक इसी तरीके से स्पेशल लक रॉयल हम उसी को कहेंगे जिसके अंदर एक आइटम से ना होकर बहुत सारे आइटम्स हमको एक साथ में देखने को मिले, तो ही वो स्पेशल बनेगा। और इसलिए गोल्ड रॉयल के अंदर अभी के टाइम पे बहुत सारे गोल्ड रॉयल का बंडल नहीं मिलता है, बल्कि साथ में कुछ और भी आइटम्स ऐसा है जो कि हम गोल्ड से स्पिन करके ले सकते हैं। एंड वेपन रॉयल के अंदर गन स्किन के साथ में हमको गुल रॉयल भी देखने को मिलता है, तो इसलिए भाई ये दोनों अपने आप में एक स्पेशल लक रॉयल ही है। दैट्स व्हाई स्पेशल लक रॉयल गेम के अंदर से हटा नहीं है, और इसलिए अपकमिंग टाइम पे आपको ये सारे बंडल मिलाकर स्पेशल लक रॉयल के अंदर दिए जाएंगे। स्पिन करोगे आप लोग बड़े आराम से 400 से लेकर 500 डायमंड के अंदर, यानी कि स्पेशल लक रॉयल में स्पिन करोगे आप लोग बड़े आराम से एक एक करके बंडल को निकाल पाओगे, क्योंकि बहुत सारे बंडल एक साथ में रहेंगे तो स्पिन करने पर ही आप लोग को बंडल तो मिलने ही वाले हैं। अगर आप लोग 2 बार भी स्पिन करते हो 10 का 400 डायमंड से, आप लोग को बड़े आराम से एक बंडल तो आराम से मिल जाएगा। और ये भी हो सकता है अगर आपका लक थोड़ा सा बढ़िया है तो आपको 2-3 बंडल भी जो है मिल सकते हैं। बाकी देखो आपको मैं सब कुछ बता दिया हूँ कौन कौन से बंडल आएंगे, कब बैक आएगा, दिवाली के टाइम पे आपको बैक मिलने वाले, तो यहाँ पर सब कुछ अपडेट यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ अपने हॉल ऑफ इनक्यूबेटर के ऊपर। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि भाई जितने सारे बंडल में दिखाया हूँ उसके अंदर कुछ और भी बंडल करने वाले चेंजेस करा दे, एंड ये भी हो सकता है कि कुछ और भी बंडल करने वाले एक साथ में ऐड करा दे। और मुझे ये लगता है कि भाई सिर्फ बंडल नहीं बल्कि आप लोग को हो सकता है बंडल के साथ में कुछ गन स्किन भी देखने को मिलेंगे जो कि इनक्यूबेटर
बेटर का होगा एंड इसके पहले वो सारे गेम के अंदर आए थे उन सारे गन स्किन को भी बैक करा दिया जा सकता है। खैर अब गाइस अब यहां पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेंगे अपने इवोल्यूशन वुडपीकर के बारे में। आप लोग को शायद ये अपडेट मिला था OB39 में कि अपने गेम के अंदर इवोल्यूशन वुडपीकर को दिया जाएगा, बट अभी उसको जो तैयार तो दूर की बात है, अभी गन स्किन को रेडी ही नहीं किया गया है जो मैं उसका रिव्यू कर रहा हूं। लेकिन मेरे पास एक पोस्टर है, कह सकते हो इमेज है, जो कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो। इवोल्यूशन वुडपीकर गाइस सबको यहां पर तीन लेवल में दिख रहा है एंड किल करने के बाद जो इसका इफेक्ट्स आएगा वो भी यहां पर दिख रहा है। और भाई तीसरी बात यह है कि आपको इसका जो टोकन है वो दिख जाएंगे जिस टोकन से आपको गन को अपग्रेड करना है। अब गाइस देखो अगर आप लोग इसके ऊपर अपडेट चाहते हो कि भाई इवोल्यूशन वुडपीकर को कब तक अपने गेम के अंदर दिया जाएगा, अगर मैं इसके बारे में जरा सा भी आपको अपडेट दूं तो भाई देखो फिलहाल आपको मैं यही बोलूंगा ये कुछ भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इवोल्यूशन वुडपीकर को अभी के टाइम पे गेम के अंदर नहीं लाया जाएगा, यह बात तो बिल्कुल कंफर्म है। अभी के टाइम पे बहुत से इवो गन ऐसा है जो कि पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जिनमें कि सबसे पहले शायद इवोल्यूशन ग्रोजा आएगा एंड उसके बाद बाकी के इवोल्यूशन गन को गेम के अंदर लाए जाएंगे, और जबकि इवोल्यूशन वुडपीकर तैयार ही नहीं है। इसलिए गाइस मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आप लोग को OB42 अपडेट में भी ये शायद अपने गेम के अंदर नहीं आने वाला है। उसके लिए आप लोग अभी तकरीबन 2 से 3 महीना वेट करना पड़ेगा, यानी कि OB43 अपडेट में शायद आपको ये देखने को मिल सकता है इवोल्यूशन वुडपीकर अपने गेम के अंदर। बाकी यहाँ पर इस वीडियो में आगे बढ़ के एक छोटा सा अपडेट कवर करते हैं, लेकिन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, और वो ये है कि भाई गेम का ओपन ना होना, गेम बंद हो जाना, गेम का डाउनलोड फेल्ड प्रॉब्लम, ये बताना। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई देखो जब भी हम गेम ओपन कर रहे हैं तो हमको देखने को मिलता है डाउनलोड फेल्ड ये प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग को मैं एरो करके एक चीज दिखा रहा हूँ। आप लोग इसे पर देख पाओगे नीचे एक ऑप्शन दिया गया है रिट्राई का, आप लोग गाइस जैसे ही इस वाले रिट्राई में क्लिक करोगे तो भाई अपना जो गेम है वो आप लोगों के सामने बिल्कुल ओपन होता हुआ दिख जाएगा। आपको मैं दोबारा गाइस और एक बार करके दिखाता हूं, आप लोग यहां पर देख पा रहे हो पहले तो गेम ओपन नहीं हुआ है, लेकिन भाई जब भी मैंने रिट्राई में क्लिक किया तो अपना जो गेम है गाइस वो ओपन हो चुका है। तो बेसिकली गाइस को कुछ इस तरीके से आप लोग जो है अपने गेम को ओपन कर सकते हो एंड ये का तरीका निकल कर आ गया था जो कि मैं आज की इस वीडियो के अंदर बता दिया हूं। आप लोग जाकर जरा इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि भाई ये तरीका वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। बाकी अगर इससे भी आपका गेम ओपन नहीं होता है तो भाई उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक कि करने वाले इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करें, लेकिन अगर इससे आपका गेम ओपन हो रहा है तो बड़ी आराम से बात है, कोई टेंशन नहीं है, गेम ओपन करके आप लोग गेम प्ले जो इसके अंदर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे भाई ये एक छोटा सा सॉल्यूशन मिला था जो कि मैं आज के इस वीडियो के अंदर बता दिया हूं। अगर वर्क कर रहा है तो जरा लाइक कर दीजिएगा इसी बात पर। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते अपने 19 तारीख को जो फ्री फायर इंडिया वर्सन आएगा ये कितना वर्सन सच है। तो सबसे पहले गाइस हम यहां पर बात करते हैं क्या सच में फ्री फायर 19 सितंबर को या फिर 20 सितंबर को अपने प्ले स्टोर के अंदर हमको देखने को मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो ही भाई मतलब फ्री रिवॉर्ड्स के ऊपर बात करके कुछ फायदा है, लेकिन अगर ये नहीं आने वाले फ्री रिवॉर्ड अभी से बताकर कोई फायदा नहीं है और ना ही कोई बता पाएगा, क्योंकि भाई देखो फ्री रिवॉर्ड्स हमको तभी मिलने वाले हैं जब गेम अपने प्ले स्टोर के अंदर आएगा। बट जो मतलब लीक्स मेरे को मिला है वो ये है कि आप लोगों को शायद 19 सितंबर को फ्री फायर अपने प्ले स्टोर के अंदर देखने को नहीं मिलने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हो, फ्री फायर 19 सितंबर को प्ले स्टोर के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा होता आज 16 सितंबर भाई आज हमारे पास ये सारे लीक्स आ जाता कि भाई फ्री फायर 19 तारीख को आने वाले है, उसके चलते हमको ये सारे फ्री का रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही गन्ना वालों की तरफ से ऑफिशियल तरीके से कुछ ऐसा लीक्स मिला है कि फ्री फायर इंडिया वर्सन हमको अपने प्ले स्टोर के अंदर 19 तारीख के दिन देखने को मिलने वाले हैं, जबकि 5 तारीख के दिन आने वाला फ्री फायर उसके ऊपर हमको लीक्स मिल गया था 30 अगस्त को ही। गाइस तकरीबन अगर हम गिने तो भाई 5 से 6 दिन पहले ही हमको लीक्स मिल गया था, लेकिन अगर अभी के टाइम पे बात करें तो भाई देखो फ्री फायर इंडिया वर्सन जो प्ले स्टोर के अंदर अगर 19 तारीख को आता तो आज 16 तारीख है, बस 3 दिन बाकी है, लेकिन हमको लीक्स वगैरह कुछ भी नहीं मिला है। अगर सच में 19 तारीख या फिर 20 तारीख के दिन आना होता तो भाई इसके ऊपर हमें लीक्स जरूर मिलता, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जिसलिए भाई देखो ये बात तो कन्फर्म है कि आप लोग को फ्री के रिवॉर्ड्स बहुत सारे मिलने वाले हैं फ्री फायर इंडिया को इंस्टॉल करने पर एंड उसमें गेम प्ले करने पर। बट फ्री फायर इंडिया एक्चुअल में किस डेट को आएगा ये कंफर्म बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको इतना बता सकता हूं कि भाई देखो काफी सारे टूर्नामेंट को एंड जो हमें लीक्स वगैरह मिला है अगर हम उसको जोड़े तो भाई पता यही चल रहा है सितंबर महीना एंड होने से पहले ही फ्री फायर इंडिया वर्सन को अपने प्ले स्टोर के अंदर दे दिया जाएगा। तो यही एक अपडेट था। खैर वीडियो यहां पर हम समाप्त करते हैं, बढ़िया लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं हर दिन की तरह कल शाम को और एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।